नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आज बता दें, झारखंड में कांग्रेस की विस्तारित कमेटी की आज एक बड़ी बैठक है और यह बैठक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में होगी। झारखंड सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। अध्यक्ष और सह प्रभारी की ओर से टास्क भी दिया जाएगा। विधानसभा के मद्देनजर यह बैठक होगी, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक होगी, काफी अहम बैठक बताई जा रही है। तो कांग्रेस विस्तारित प्रदेश कमेटी की बैठक है, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। झारखंड सह प्रभारी बेला प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, झारखंड में कांग्रेस विस्तारित कमेटी की ये बैठक होनी है, बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? विधानसभा चुनाव को लेकर क्या ये बैठक की जा रही है या फिर कुछ और है? इसमें कहा जा रहा है जो बड़े जो नेता हैं उनको टास्क दिया जाएगा, जो कार्यकर्ता हैं उन्हें टास्क दिया जाएगा, किस तरह से टास्क दिया जाए विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर ये बैठक की जा रही है? जी मनीष, विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक रखी गई है। कांग्रेस के कई जो बड़े नेता है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो झारखंड के सह प्रभारी बनाए गए हैं श्री बेला प्रसाद, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल आपने देखा होगा कि अध्यक्ष जिला भ्रमण पर निकले थे, यानी कि सबसे पहले वो सिमडेगा गए थे और वहां पर झारखंड के दो सह प्रभारी जो है वो राजधानी रांची पहुंचे थे और उसके बाद सीधा सिमडेगा निकले थे। देखिए, सप्तगिरी उल्का जो नए सह प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस के, इसके साथ ही श्री बेला प्रसाद जो नए झारखंड सह प्रभारी बनाए गए हैं, दोनों ही कल राजधानी रांची पहुंचे थे और सीधा सिमडेगा गए और वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। देखिए, आज की जो बैठक है वो प्रदेश समिति की बैठक है और उसमें सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, वो मौजूद रहेंगे और अध्यक्ष के साथ साथ सह प्रभारी की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे कार्य करने हैं। देखिए, इस बार कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस लगातार इस तरीके का दावा करेगी कि 35 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो आखिर किस तरीके से यहां पर सीट बंटवारा किया जाएगा, यानी कि सीट शेयरिंग की जाएगी। देखिए, अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो लगातार उनकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम वामदल और आरजेडी की बात करेंगे तो उनकी ओर से भी दावे जो है वो किए जा रहे हैं। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल चर्चाएं नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। देखिए, 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसको लेकर 81 विधानसभा सीट से आवेदन जो है वो कांग्रेस को मिल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि सभी सीटों से लगभग 100 अभी उन्हें प्राप्त हो गए हैं। हालांकि देखिए, 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो वहां से अब तक एक भी आवेदन नहीं मिले हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विचार किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर वहां पर क्या खामियां के साथ साथ क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि वहां से एक भी आवेदन नहीं आया। लेकिन अगर आज की बैठक के बारे में जो देखिए, एक तो सामने आ रहा है बरहेट और देवघर, फिलहाल तीसरे सीट को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन खुद उस दिन जो केशव महतो कमलेश है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका यही कहना था कि जो 3 सीटों से आवेदन नहीं आए हैं इसको लेकर कांग्रेस विचार कर रही है, वहां जो भी आला नेता है जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। देखिए, कांग्रेस का एकमात्र जो विजन है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही जो कांग्रेस का विजन है, राहुल गांधी का विजन है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाई है, जिसको लेकर आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि कांग्रेस के कई आला नेता का स्पष्ट रूप से यही कहना था कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर हमेशा से मुखर रही है और आगे भी मुखर रहेगी। देखिए, लगातार कांग्रेस में नए चेहरे जो है वो शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है केशव महतो कमलेश, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम पुराने कार्यकर्ताओं को जरूर आगे करेंगे। देखिए, हाल ही के दिनों में जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक रखी गई थी, खुद उनके अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे, मैंने उनसे सवाल किया था कि जो पुराने नेता है उन्हें क्या इस बार कांग्रेस मौका देगी, तो उनका यही कहना था कि हम लोग देख रहे हैं जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता पुराने समय से जुड़े हैं, यानी कि लंबे समय से जुड़े हैं, उन्हें यहां पर जरूर मौका मिलेगा। लेकिन देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है वैसे कांग्रेस में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो देखने को मिलती है। लोकसभा चुनाव में अभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे नए चेहरों को मौका मिला था, जो पुराने कार्यकर्ता है वो इसको लेकर हल्ला बोल दिए थे, मोर्चा खोल बैठे थे। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि सभी वर्ग को यहां पर
खुश किया जाए, हर एक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खुश किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी नाराजगी या फिर कह सकते हैं कोई भी मोर्चा जो अन्य कार्यकर्ता खोल बैठते हैं वैसे ही नौबत ना आए। तो देखिए अब आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल अफेयर की जो बैठक है वो कांग्रेस कार्यालय में रखी गई थी, तमाम दिग्गज नेताओं को बुलाया गया था और वहां पर यह दावा किया कि कांग्रेस 35 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। जी मनीष, लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठक तो की जा रही है, लेकिन इन बैठक में अभी आपने कहा कि 41 ऐसी सीटें हैं जिस पर आवेदन आए हैं और 41 और ये आवेदन ऐसे नहीं है, मजबूत दावेदारी पेश की जा रही है इन 41 सीटों से, लेकिन कांग्रेस बार बार 34 से 35 सीटों का ही हवाला दे रही है कि हम 34 से 35 सीट, ऐसे खबरें आ रही हैं कि 34 से 35 सीटें कांग्रेस मांग सकती है, लेकिन 41 सीटों से दावेदारी आई है और ऐसे में 35 सीटें अगर मांगती है कांग्रेस तो और भी जो लोग हैं आपको नहीं लगता है नाराज होंगे कि भाई कम से कम हम लोग को मौका दिया जाए, इन सीटों से मौका तो दिया जाए, और क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है फैसला भी जल्द से जल्द लेना होगा, अगर नहीं लेते हैं तो फिर ऐसे में पार्टी के अंदर भी आप देखती होंगी कि रशाकशी होने लगती है, नाराजगी जो है लोग व्यक्त करने लगते हैं। जो देखिए सीट को लेकर रस्साकसी जरूर शुरू हो गई है, जब चुनाव नजदीक आता है तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा काफी देर से हुई थी और यही वजह थी कि जो भी प्रत्याशी है उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला था, लोगों के बीच वो नहीं पहुंच पाए, अपना जो विजन है या फिर जो मुद्दा है वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए। देखिए इस बार कांग्रेस की ओर से तमाम चीजों को देखा जा रहा है, जो चूक हुई थी लोकसभा चुनाव में उसे कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की जा रही है। देखिए कांग्रेस की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि कांग्रेस 35 सीटों चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये तो डिसीजन जो है वो एक साथ सभी दल के जो बड़े नेता है वो करेंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका इस बार अदा करेगा, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आने वाले समय में ये जरूर उनकी ओर से भी कहा जाएगा, क्योंकि देखिए कई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता उनका यही कहना है कि इस बार 45 से 50 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहता है, ऐसे में राजद भी है, वामदल भी है और कांग्रेस भी है, तो ऐसे में 81 सीटों का कैसे बंटवारा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देखिए नाराजगी जरूर देखने को मिलती है, अंदर खाने कई चीजें जो है वो चलती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से यही कहा जाता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन देखिए अब आने वाले समय में ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की ओर से जो डिसीजन लिया गया है यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आएंगे कि आखिर कांग्रेस को कितना सीट मिला है, तो ऐसे में उस वक्त पता चलेगा कि जो कांग्रेस के पुराने नेता है उनको कितना मौका मिला है, क्योंकि हमेशा सवाल जो है वो कांग्रेस के नेता उठाते हैं। इससे पहले भी आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि कई जो पुराने कार्यकर्ता है उनका यही कहना होता है कि लंबे समय से वो लोग संघर्ष करते हैं, लंबे समय से वो लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो कोई नए चेहरे को ये लोग मौका दे देते हैं। तो इस बार कांग्रेस की ओर से सभी खामियों को दूर किया जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव में सभी एक साथ मिलकर यहां पर प्रदर्शन करें यानी कि चुनाव लड़े। देखिए ये कहा जाता है कांग्रेस की ओर से कि सभी नेता इंटैक्ट है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे में सभी नेता जो है अलग अलग मोर्चा खोल बैठते हैं और उनका यही कहना होता है कि उन्हें इस बार मौका नहीं मिला। देखिए मैंने इनसे जरूर सवाल पूछा था, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका यही कहना था कि हम लोगों ने लिस्ट मंगाया है, सभी जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 5-5 नाम को आगे किया जाए, जिसको लेकर हमने कई जिला अध्यक्षों से बात की थी, तो उनका कहना था कि लगभग 100 से ज्यादा आवेदन जो है एक विधानसभा सीट से आ रहे हैं और उसमें 5 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट करना थोड़ी चुनौती भरी रहता है, लेकिन आने वाले समय में 5 जो नाम आगे जाएंगे उसे आला कमांड डिसाइड करेगा कि आखिर किसे इस बार टिकट देना है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरे तरीके से मजबूती के साथ लोगों के बीच जा रहा है और कांग्रेस ने कमर कस लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ और सभी नेता इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े। जी अच्छा, ऐसे में बात की जाए कांग्रेस के पास अब किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे बीजेपी के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं उनके जवाब भी कांग्रेस को देने होंगे, जैसे घुसपैठ का मामला हो गया, जिस तरह से अभी उत्पाद सिपाही भर्ती चल रही थी उसमें 12 बच्चों की मौत हो गई, उसको लेकर भी जो विपक्ष है वो सवाल पूछेगा, वो जेएमएम से कांग्रेस से भी सवाल पूछे, क्योंकि इन लोगों की भाई इंटेक्ट सरकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की जाए इन मुद्दों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है, ये तो बात हो गई कि ये लोग किस तरह से टिकट का बंटवारा करेंगे, किस तरह से टिकट देंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से कैसे निपटा जाए।
जी आपने सही कहा कि बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं, या फिर हम बात कर लेंगे बांग्लादेशी घुसपैठी के साथ साथ उत्पाद सिपाही की भर्ती परीक्षा जो हो रही थी जिसमें 12 अभ्यर्थियों की जान गई थी, इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा वो राजधानी रांची आते हैं और उनका यही कहना होता है कि इस बार हम जनता के बीच में जाएंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार ने अब तक कितने कार्य किए हैं। राज्य की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था वो राज्य की सत्ता में आने के बाद कितने वादे पूरे किए हैं, इसके साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। अगर दूसरी ओर हम सरकार की बात करेंगे तो कांग्रेस क्योंकि घटक दल के रूप में है, सहयोगी दल के रूप में है, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कहा जाता है कि अब तक सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, या फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हो, या फिर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात हो, सरना आदिवासी धर्म कोड की बात हो, या फिर अन्य ऐसे मामले हैं, आपने देखा होगा ओबीसी आरक्षण को लेकर, ऐसे 4 विधेयक हैं जिसे विधानसभा के विशेष सत्र में उसे राजभवन भेजा गया था और राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजना था। देखिए अब तक 4 ऐसे विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है जो केंद्र सरकार के पाले में है और अब तक इस दिशा में पहल नहीं की गई है। तो लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि कई ऐसे विधेयक है, इसके साथ ही सरकार ने जो कुछ कार्य किए हैं सभी को जनता के बीच में लेकर जाना और ये बताने की कोशिश करनी है कि सरकार तो अपने एंड से तमाम जो कार्य है वो पूरी कर रही है, लेकिन जो जो मेन विधायक है यानी कि जो महत्वपूर्ण विधायक है इसको लेकर अब तक केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं की है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का कहना है कि इन 5 सालों में सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, इन तमाम कार्यों को लोगों के बीच में लेकर जाना है और उन्हें बताने की कोशिश करनी है कि आखिर सरकार ने किस तरह से काम किया और यहाँ के लोगों को किस तरीके से फायदा मिल रहा है। ठीक है करिश्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज बता दें कांग्रेस की एक और मीटिंग है, आज कांग्रेस विस्तारित प्रदेश कमेटी की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है और इस दौरान अध्यक्ष और सह प्रभारी की ओर से टास्क भी दिया जाएगा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देना है, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, किस तरह से जनता के बीच में जाकर नीतियों को रखनी है, सरकार की नीतियों को रखना है, तो इन सब पर भी आज चर्चा होगी।